नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का लैस क्रैक यूपीएससी सीएससी के ऑफिशियल ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों मेरा नाम अंकित मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं आपकी क्लास लेकर के तो भाइयों फटाफट सभी सभी के सभी आ जाओ चलिए जोरदार तरीके से सभी लोग हाजिर हो जाएंगे क्लास में एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है आप सभी को पता है यहाँ पे ठीक है चलिए बताइएगा सभी लोग यहाँ पे नया सीरीज स्टार्ट किया है आ, क्या हाल चाल चल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलिए आ जाओ भाई सभी के सभी वॉइस वगैरह क्लियर है ना एक बार सभी लोग बता दीजिएगा वॉइस वगैरह अगर क्लियर होगी तो एक बार सभी लोग यस कर देंगे चलो बताओ।, बताओ सभी सभी। बता कोई 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 किसी किसी हाँ तो क्या हाल चाल चले हाल चल रहा सभी का मस्त है सभी लोग चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कल हमने इसी सीरीज में आपको रात में मैंने क्लास लिया था इसके लिए आज उसी सीरीज को हम यहाँ पे आगे करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है उसी सीरीज के आगे चलिए तो बताइएगा सभी लोग यहाँ पे आ, कल क्लास में मजा आया था सभी को बताओ कल का सेशन सही था चलिए तो कल का सेशन अच्छा था तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सबसे पहले बात कर लेते हैं आप आप सभी से ठीक है सब्सक्रिप्शन की अगर आप लोगों ने अभी तक के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करिए सभी लोग ठीक है याद रखिएगा बहुत जल्दी फास्ट एम फास्ट करने की आवश्यकता है आप सभी को याद रखना आप लोगों के लिए टॉप एजुकेटर के माध्यम से तैयारी आपकी आसान की जाएगी कुछ जानकारी मेरे बारे में है आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है और आप सभी को बता दूं बेटा यहाँ पे कि आपको सेकंड रैंक हासिल किया है एक लर्नर ने याद रखना जिनका नाम है जागृति अवस्थी जी इन्होंने सेकंड हैंड रैंक हासिल किया है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी याद रखिएगा और जितने बच्चे जुड़े हुए थे लगभग मैक्सिमम बच्चों बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे सेलेक्शन हासिल किया है आप सभी नमस्कार बेटा नमस्कार चलिए खुश रहो ठीक है याद रखिए ये देखिए सभी के सभी लोग यहाँ पे चलिए और यहाँ पे 169 प्लस बच्चों ने यहाँ पे सिलेक्शन हासिल किया है ऑफर्स कल तक थे अगर ऑफर्स रिटेन होंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी ठीक है चलिए यहाँ पे एल एम पी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आप लोगों के लिए राइज हैंड प्रोग्राम है आप लोगों के लिए याद रखिएगा प्लस प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक के दो सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन से बेहतर आपका का है याद रखिएगा क्योंकि आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल एडवाइजर भी मिलता है जो आपकी तैयारी को बेहतर और बेहतर बनाने की कोशिश करता है याद रखना दोनों सब्सक्रिप्शन पर आपको टेन का ऑफ मिलता है अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे ए एन के जीरो सिक्स ये मेरा रेफरल कोड है इसको लगा करके आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं टेन परसेंट का ऑफ ले सकते हैं याद रखिएगा दोनों कैटेगरी में ऑप्शनल में भी सेम कोड से आपको टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा याद रखिएगा और आप सभी को बता दे यहाँ पे बेटा कि एक बैच आपका 29 तारीख से स्टार्ट किया गया था एक 18 तारीख से आने वाला है ठीक है तो जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है अभी ले लीजिए 29 तारीख से ही करंट अफेयर का बैच स्टार्ट किया गया है यहाँ पे याद रखना वीकेंड करंट अफेयर का बैच है ये और यहाँ पे उन्तीस तारीख से ही दो के लिए जर्नी बैच स्टार्ट किया गया था याद रखिएगा

चलो तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास तो हमने कल से स्टार्ट किया था आर्ट एंड कल्चर का एक सीरीज बेहतरीन सा एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था जिसको हमने नाम दिया था आर्ट एंड कल्चर तो आर्ट एंड कल्चर का यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है याद रखना क्योंकि यहां से हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात बताऊं आप सभी को तो आप सभी को यह आइडिया होगा कम से कम पांच से सात क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे पांच से सात क्वेश्चन हर वर्ष पूछे गए हैं हर वर्ष आपको पांच से सात क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे तो मैंने चलिए सॉरी तो यहां पे मैंने आपको बोला था कि बेटा ये पांच से सात क्वेश्चन की तैयारी हम तीन दिन के अंदर करेंगे तो आज हमने देख ली कल देखा था मैंने कल अपने को फोर्टी फाइव क्वेश्चन मैंने करा दिए थे

तो पांच से सात क्वेश्चन की तैयारी हो रही है याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से अगर अगर क्वेश्चन आपका सही हो गया तो मजा आ जाएगा ठीक है याद रखना गुड चलिए सभी का स्वागत है तो सही सुमेलित नहीं है चलिए बताइएगा यहां पे ध्यानपूर्वक देखिएगा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आराम से देखेंगे। कौन सा युग में यहां पे कौन सा ऐसा है जो नॉट मैच्ड चलिए लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महाशिव गुप्त बाला अर्जुन फिर कहा मेगुत, मेगुती मंदिर एहोल रवि कीर्ति ठीक है मल्लिका मंदिर पद्धकल ठीक है त्रिलोक के महादेवी या वैकुंठ पेरुमाल मंदिर कांची नंदी वर्मन कौन सा इसमें आपका सुमेलित नहीं है सही से चलिए बताइए बेहतरीन क्वेश्चन है ध्यान देना आर्ट एंड कल्चर के सबसे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है ये सारे के सारे ध्यान से देखेंगे सभी लोग और शेयर करते रहो सभी के सभी और लाइक और यहाँ पे लाइक प्रेस कर दीजिएगा जरूर सभी लोग चलिए कल जहां छोड़ा था उसी के आगे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं याद रखना चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये चलो कल हमने शुरुआत किया था कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी ना कल लगभग फोर्टी फाइव क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराए थे याद रखना इंपॉर्टेंट से फोर्टी फाइव क्वेश्चन यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के ठीक है चलो बताओ बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा चलो डी बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे यहां पे अच्छा देखो अब यहां पे आपको निर्माण यहां मंदिर दिया है यहां निर्माण निर्माणकर्ता दिए हुए हैं ठीक है सबसे पहला ही मंदिर की बात कर लेते हैं लक्ष्मण गुप्त मंदिर ये सिरपुर में है लक्ष्मण ठीक है लक्ष्मण मंदिर जिसको कहते हैं कहां पे है सिरपुर में अवस्थित लिखा हुआ महाशिवगुप्त बाला अर्जुन गलत हो जाएगा हर्ष गुप्त की पत्नी ठीक है याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था हर्ष गुप्त की पत्नी ने जिनका नाम था बसत क्या नाम था बसत नाम था उनका ठीक है बसत जी ने करवाया था इस वजह से यहां पे पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो जाएगा याद रखना और ये भी आपका सही है ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है तो तीन कोश यहां पे याद रखिएगा आपका कौन सा गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा किन किन लोगों ने यहां पर सही जवाब दिया है किसने किसने सही जवाब दिया गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग चले सी नहीं होगा ए होगा याद रखना अरे भाई अगर बात किया मुंगती मंदिर का निर्माण वाला रवि कीर्ति ने किया था ठीक है मल्लिकार्जुन मंदिर पदकल वाला बात करें तो त्रिलोक के महादेवी ने किया था वैकुंठ पेरुमाल मंदिर की बात करें कांची वाला नंदीवर्मन ने किया था तो ये तो सही है गलत आपका यही हो गया लक्ष्मण मंदिर जो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण हर्षगुप्त की पत्नी बसत ने किया था याद रखना ठीक है चलिए गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का चलो बताओ क्लियर हो गया अरे भाई जो बसत की जो ये जो है ना महाशिवगुप्त बाला अर्जुन जो है ये इन्हीं के पुत्र थे ठीक है इन्हीं के पुत्र हैं अब क्लियर हो जाना चाहिए ठीक है बसत के पुत्र थे मतलब हर्ष गुप्त के पुत्र थे ये ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पे जब एक मिनट इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं अच्छा ऊपर दिया हुआ है ठीक है चलो देखो यहां पे प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कह रहा है मौर्य सिंह की मूर्ति वाले को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गंधार शैली का जन्म हुआ उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है बेहतरीन क्वेश्चन है ध्यान से जवाब देना चलो बताओ चलिए बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर चलो बताओ बहुत बेहतरीन बहुत आसान क्वेश्चन है बताए गुड आफ्टरनून नीलेष यादव जी चलिए नमस्कार चलो बताओ सभी के सभी फटाफट बताएंगे सभी के सभी जितना जोरदार तरीके से बता पाओगे उतना ही मजा आएगा क्लास में और जितना ज्यादा ज्यादा शेयर कर पाओगे उतना ही मजा आएगा चलो बताओ ध्यानपूर्वक देखना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आराम से बताइएगा बिल्कुल जल्दबाजी की बात काम नहीं है ठीक चलो बताओ चलिए चलिए बताएंगे सभी लोग ध्यान से बताना ध्यान से सोच समझ के बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो क्या होगा यहां पे बहुत सारे बच्चों ने कुछ बच्चों ने सी बताया है कुछ बच्चों ने यहां पे डी बताया देखो मौर सिंह की मूर्ति वाले शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया एकदम सही है यह सिंह आपका पॉलिसदार है ठीक है याद रखना कभी क्वेश्चन पूछे याद रखिएगा तो मौर्य सिंह वाले जो तो मूर्ति है ना मौर्य सिंह की यह पॉलिसदार मूर्ति है याद रखिए कई बार पूछा गया था कि क्या यह मूर्ति पॉलिसदार है कि नहीं है तो याद रखना यह पॉलिसदार मूर्ति है पॉलिस किया हुआ है इसके ऊपर और मौर भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से ही गांधार शैली का जन्म होता है याद रखिएगा आप सभी को मैंने पहले भी पढ़ाया था कि भारतीय और यूनानी शैलियां जब आपस में मिलेंगी तो उन्हीं से गांधार शैली का विकास होगा याद रखना इस वजह से बेटा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा आसान सा क्वेश्चन था ये ध्यान रखना ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे देखेंगे आज का अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चोलकालीन मूर्ति कला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है इसमें से कौन विश्व की श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा रचना है महिषासुर मर्दिनी नटराज सोमस्कंद या भी गोमितेश्वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आसान सा भी है चलो बताओ बहुत आसान क्वेश्चन है ये चलिए ध्यान से बताइएगा अच्छा यहाँ पे याद रखिए चोलकालीन मूर्तिकला की बात हो रही है का अगर हम आ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी है काफी इजी क्वेश्चन है ये आ, पूछा गया था ये दो हजार में ही तो देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात किया जाए तो चोलकालीन मूर्तिकला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला सूचक का सूचक है। इसमें से, से, से प्रतिमा रचना है तो आप सभी को पता है कि चोलकालीन जब हम बात करें तो दक्षिण की जो जो मूर्ति कला की शैली हुआ करती थी दक्षिण भारत की वो अपने चरम पे पहुंच गई थी क्योंकि मुशोलकालीन मूर्तियों का

नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमरावती मूर्तिकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अमरावती मूर्तिकला के बारे में बात हो रही है ध्यान से देखना कह रहा है इसमें भाव, भाव भावात्मक मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन यहां पे सही है बेहतरीन क्वेश्चन है चलिए जवाब दीजिए बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है ध्यान से जवाब देना चलो बताओ बताओ बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है अब ये अमरावती शैली वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है अगर आप लोग ध्यान से देखो इस पे टी बता रहे हैं बच्चे देखो तो पहली बात तो हम बात करते हैं यहां पे ठीक है कि ए, कुछ थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने का प्रयास करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या उसको एक बार देखते हैं थोड़ा सा समझो चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे एक सेकंड थोड़ा सा थोड़ी सी बातों को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे ज्यादा नहीं थोड़ी सी बात है वहां पे वही बातें हम देखेंगे क्या देखना था हमको देखो ध्यान से तो सबसे पहले यहां पे बात करते हैं थोड़ी बातों को यहां पे गौर से देखिएगा आप लोग यहां पे ठीक है थोड़ी बहुत बातें हैं यहां पे ध्यान से इसको देखने का प्रयास करना सबसे पहले थोड़ी छोटी बहुत छोट ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही हम यहां पे देखेंगे ज्यादा कुछ नहीं देखना है थोड़ा थोड़ा सीजन को देखना है देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पे बेटा ठीक है कि अमरावती मूर्तिकला शैली देखो सातवाहन शासक जो थे यहां पे कह रहा है पहला ऑप्शन कि यह शैली दूसरा ऑप्शन कि यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई तो देखो सातवाहन सातवाहन शासक इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा इनके ये इंपॉर्टेंट क्यों है कोई बता सकता है मुझे यहां पे क्यों मैं यहां पे इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं थोड़ा बहुत कुछ जानकारी तो दोगे ही मुझे आप लोग कि नहीं दोगे बताओ कुछ तो जानकारी दोगे आप लोग आए चलिए चलिए तो सातवाहन शासक जो थे बेटा याद रखना इनके समय में जो आपकी बात हो रही है अमरावती शैली की अमरावती अमरावती शैली इस शैली का क्या हुआ विकास तो नहीं होता विकास तो था पहले से ही ठीक है इन्होंने क्या किया था आ, कह रहा है यहां कि यह शैली सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुई ठीक है उत्पन्न तो पहले हुई थी लेकिन इसका विकास कार्य जो हुआ ठीक है तो इन्होंने क्या किया अमरावती शैली को संरक्षण दिया था क्या दिया था संरक्षण दिया था और जब संरक्षण दिया इस वजह से इसमें विकास हुआ ठीक है इस वजह से यह विकसित हो गई ठीक है इसका अगर हम देखा जाए तो अगर इसका संरक्षण दिया तो यह उत्पन्न कहां पर हुई यह शैली कृष्णा नदी के तट पे याद रखना हमीद हमेशा सभी लोग ठीक है आए? आए? इन शासकों के संरक्षण में देखा जाए आपका तो कृष्णा नदी कृष्णा नदी के तट पर ठीक है कृष्णा नदी के तट पे इस शैली का विकास होता है याद रखना ठीक है सातवाहन शासक के संरक्षण में अमरावती शैली का विकास कृष्णा नदी के तट पे होता है यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है ये ठीक है कृष्णा नदी के वहां पे होगा याद रखना और कुछ यहां पे आपको जानने की ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है ठीक है याद रखिएगा और ये चीज बता दूं आप सभी को कि आ, अच्छा यहां पे पहले देख लेते हैं यहां पे और ये शैली कहा विशेषता है तो बताना भूल गए आपको विशेषता इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको ध्यान रखिए इसमें आपको देखा जाए तो गतिशील आकृतियां बनाई जाती थी ठीक है गतिशील आकृतियां का कोई मतलब समझ आ सकता है मुझे आए ठीक है याद रखिएगा गतिशील आकृतियां गतिशील गतिशील आकृतियां, गत्सील आकृतियां। इसमें गतिशील आकृतियां बनाई जाती थी ठीक है मतलब गतिशील छवियों वाली जो आकृतियां होती हैं, उनको बताया बनाया जाता था पहला पॉइंट दूसरे की अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे बेटा भावनात्मक मूर्तियों पर ध्यान दिया जाता है भावनात्मक भावनात्मक मूर्तियों ठीक है भावनात्मक पहलू जो यहां पे है मूर्तियों पर ठीक है भावनात्मक मूर्तियों पर ठीक है याद रखिएगा भावनात्मक मूर्तियों पर ध्यान दिया जाता है और सबसे विशेष इसका अगर हम देखा जाए यहां पे तो सबसे विशेष इसका जो आता है ठीक है यहां पे ठीक है त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया गया है इसमें ठीक है त्रिभंग मुद्रा इसका मतलब होता है अर्थ है इसका तीन तरफ झुकाव इसका अर्थ होता है कि जो मूर्तियां बनाई जा रही थी उनका तीन तरफ झुकाव होता था याद रखना बताओ क्लियर हुआ यह इसकी विशेषता है याद ये गतिशील आकृतियां बनाई जा रही थी भावनात्मक मूर्तियों पर ध्यान दिया जा रहा था त्रिभंग मुद्रा का प्रयोग किया गया था यूपीएससी में त्रिभंग मुद्रा से क्वेश्चन पूछा जा चुका है याद रखिएगा लोग ठीक है तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन अगर देखें यहां पे बेटा तो क्या हो जाएगा दोनों के दोनों सही हो जाएंगे सी, इस इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है ध्यान से देखना कह रहा बेटा आपका थोड़ा सा में दिक्कत आ गया चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ध्यान से देखना कह रहा है आपका कि भारतीय मूर्ति कला शैलियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन यहाँ पे सही नहीं है गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाएं में बुद्ध का मूर्ख मुख ग्रीक देवता ठीक है कह रहा है ग्रीक देवता अपोलो के समान है तथा मूर्तियों का परिवेश रोमन रोमन टोगा जैसा है गांधार कला शैली की उत्पत्ति एशिया माइनर क्षेत्र की हेलेनिस्टिक कला से हुई है मथुरा कला विशुद्ध रूप से भारतीय कला है तथा इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावनुकता भा, भावुकता की प्रधानता है मथुरा कला शैली यथार्थवादी है जबकि गांधार शैली आदर्शवादी है बेहतरीन क्वेश्चन है चलो बताओ बहुत बेहतरीन है चलो बताइए कौन सा सही नहीं है यहां पे याद रखना नहीं दिया है कौन सा सही नहीं है नहीं पूछा है याद रखिएगा चलो ध्यान से बताओ बेहतरीन क्वेश्चन है ये और फटाफट यहां पे शेयर भी कर दीजिए आप लोग और लाइक करते रहिएगा बेटा चलिए बताइए आगे अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे यहां पर पहले इसको डिस्कस करने के बाद तो चलो फटाफट बताओ सभी के सभी ध्यान से बताइएगा बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत बेहतरीन है ध्यान से बहुत आराम से बी बता रहे हैं सभी लोग अच्छा देखो अब आपको समझना पड़ेगा मथुरा कला शैली की बात हो रही है विशेष करके यहाँ पे मथुरा कला शैली के बारे में पूछा जा रहा है गांधार और मथुरा कला शैली अगर हम मथुरा कला शैली के विकास की बात करें तो ईसा पूर्व पहली शताब्दी में इस ए, कल, इस शैली का विकास हुआ ठीक है इस शैली का आपका विकास होता है याद रखना इस शैली का देखो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में आपको बताता हूं एक चीज देखना एक चीज शुरुआत में आपको बताता हूं थोड़ी सी बातों को एक बार समझिए थोड़ी सी बातें हैं यहां पे, थोड़ी सी बातें हैं उनको एक बार देखना चलो देखो मैं समझाता हूं क्या समझना है उसके बारे में आपको थोड़ी सी बातें यहां पे देखनी पड़ेंगी थोड़ी सी बातें ज्यादा कुछ नहीं हल्का फुल्का यहां पे समझने का प्रयास करो क्या समझना है आपको देखिए आपको बताएं हम यहां पे गुप्त काल में दिखाई दे रहा है ना दिखाई तो दे रहा है ना हाँ गुप्त काल में याद रखिएगा तीन शैलियों का विकास हुआ गुप्त काल में ठीक है तीन शैलियों का विकास हुआ एक को हमने बोला गांधार दूसरे को बोला मथुरा तीसरों को कहा अमरावती ठीक है तीन शैलियों का विकास आपको इस काल में देखने को मिलेगा याद रखना बहुत बेहतरीन स चीजें हैं याद रखिएगा तो यह विकास जो था यह अलग अलग क्षेत्रों में था तीन अलग अलग क्षेत्र तीन अलग अलग, अलग। क्षेत्रों में तीन अलग अलग क्षेत्रों में तीन कला शैलियां निकली एक को कहा गया गांधार कला शैली दूसरा था मथुरा कला शैली तीसरा था अमरावती कला शैली अब यहां पे तीन कला फैली निकल गई यहां पे फिर कह रहा है यहां पे ऑप्शन अब यहां पे देखो तो याद रखना इसमें विशेषकर गांधार कला शैली की बात करते अमरावती शैली मैंने आपको बता ही दिया वहां पे ठीक है कि सातवाहन शासकों के संरक्षण में विकसित हुआ ये लेकिन मथुरा कला शैली का विशेष विकास देखा जाए तो कुषाण काल के समय होगा ठीक है किसके समय कुषाण कुषाणों के समय में याद रखिएगा तो मथुरा कला शैली का जो विकास होता है विशेष करके अगर देखा जाए वहां पे तो कुषाणों के समय में मथुरा कला शैली का विशेष यहां पे विकास होगा ठीक है याद रखिएगा बताइए आए तो यह जो कला शैली है मथुरा और यहां पे गांधार को भी अगर कह दिया जाए तो यह भी विशेष करके आपका इसी के समय में कुषाणों के तो गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली अगर यहाँ पे देखा जाए बेटा तो इन दोनों का विकास आपको विशेष करके देखने को मिलेगा ठीक है कुषाणों के समय में कुषाणों के समय में आपको इनका विकास आपको देखने को मिलता है

पहले बता दीजिए तब आगे बढ़ेंगे पहले बता दो फिर आगे बढ़ूंगा बताओ बताओ भैया अरे भाई गांधार कला शैली का जो अगर देखा जाए यहां पे जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वह वह आपका बौद्ध परंपरा से है बौद्ध परंपरा ठीक है जो विषय वस्तु है उसकी जो सब्जेक्ट उसका है वह आपका बौद्ध परंपरा से है ठीक है बौद्ध परंपरा से है नो परिजी करी नो सर सर एक बार और समझाना ठीक है समझा रहा हूं देखो गुप्त काल के दौरान अगर बात करें यहां पे बेटा गुप्त काल के दौरान तीन शैलियों का विकास अलग अलग क्षेत्रों में तीन शैलियां विकसित होती हैं एक का नाम गांधार कला शैली दूसरे का नाम मथुरा कला शैली तीसरे का नाम अमरावती कला शैली तो गांधार और मथुरा कला शैली का जो विकास होगा वो कुषाणों के समय में होगा और अमरावती कला शैली का विकास सात वाहनों सात वाहनों के संरक्षण में यहां पे इसका विकास होगा कृष्णा नदी के किनारे ठीक है वो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है गांधार कला शैली की अगर बात करें तो इसकी जो विषय वस्तु थी वो आपका बौद्ध परंपरा से रिलेटेड था विशेष करके बौद्ध परंपरा के बारे में वहां पे चर्चा की गई उससे वहां पे विषय वस्तु उसका वहां से लिया गया है लेकिन कुछ अगर मथुरा कला शैली की बात किया जाए यहां पे तो यह कुणु के समय में ज्यादा परिपक्व हो जाती है और इसी के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है देखो गांधार कला अब यहाँ पे आपको मैंने जो वहां पे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सटीक बैठेगा गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध प्रतिमाओं में बुद्ध का मुख ग्रीक

मानी जाती है और इस प्रकार की मूर्तियों में आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता का मतलब हो गया कि अध्यात्म आप समझ कर सकते हो यहाँ पे आध्यात्मिकता का मतलब जो होता है आपको पता है ना सभी को आए? स्पिरिचुअली की बात हो रही है यहाँ पे आध्यात्मिकता और भावुकता देखने को मिलती है इसमें भावनाओं पे ज्यादा बल दिया गया है यहाँ पे याद रखना इसकी प्रधानता है तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मथुरा कला शैली यथार्थवादी है जबकि गांधार कला शैली आदर्शवादी है गलत हो जाएगा यथार्थवादिता तो गांधार कला शैली में है भैया क्योंकि तो बौद्ध परंपरा से संबंधित है वो तो याद रखना यहां पे मथुरा कला शैली क्या है बेटा यह आपका आदर्शवादी है आदर्श आदर्शवादी आदर्शवादी कला शैली है और जो गांधार शैली है यह आपका यथार्थवादी है यथार्थवादी गांधार शैली जो आपका है वो यथार्थवादी है याद रखना तो ऑप्शन नंबर डी ही गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये लेकिन यहाँ पे लोग यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं और गलत करके पेपर में चले जाते हैं सर एंसियंट एम की पी डी मिलेगी एनशियट वाली आपको अनएकडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा ठीक है वहां पर सारी पी आपको मिल जाएंगी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांस कढ़ाई से कांसरी कांस ढलाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए हड़प्पा वासियों द्वारा कांस ढलाई का कार्य बृहद स्तर पर किया जाता था इस कार्य में द्रवी मोम विधि जैसी जैसी विशिष्ट तकनीकी का प्रयोग किया जाता था चोल काल की नटराज मूर्ति कांस ढलाई का एक उदाहरण है बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया चलो बताओ आप सभी को नटराज मूर्तियों के बारे में चर्चा की गई है बार बार चलिए बताइए बेहतरीन क्वेश्चन और लाजवाब चलो बताओ फटाफट सभी के सभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये ध्यान से जवाब देंगे सभी लोग बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये चलो बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा ध्यान से बताना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है चलिए देखो याद रखना अगर हम मोम विधि को देखा जाए इसको जा क्या कहते हैं लास्ट वैक्स तकनीक टेक्नोलॉजी लास्ट वैक्स ठीक है तक यहां पे विधि बोलते हैं ठीक है लास्ट वैक्स ठीक है चलो बताओ अरे भाई लास्ट वैक्स तकनीकी कहा जाए टेक्नोलॉजी तो पूरा ना लिख दे तो 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 मानोगे चलो लास्ट वेक्स टेक्नोलॉजी कहा जाता है उसको चलो बताओ आ, क्या हुआ भैया जवाब नहीं आ रहा है बी बता रहे हैं अच्छा कुछ लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग यहां पे चलिए देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन देखो बताता हूं सबसे पहली बात तो यह समझना है आप सभी को ठीक है कि पहला ऑप्शन आपका सही है अब कहोगे सर कि पहला ऑप्शन कैसे सही है आप सभी को पता है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कांस ढलाई का कार्य किया जाता है आप सभी को पता है कांसे का प्रयोग हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलेगा ठीक है और कोई धातु वहां पे आपको नहीं लोहा नहीं रहता है लेकिन कांसा की ढलाई वहां पे मात्रा में की जाती थी तो पहला कैसे आप लोगों ने मिस कर दिया अगर पहला ही केवल आपका सही मान लिया जाए यहाँ पे तो सीधे आप लगा सकते हो कि सर जी एक दो तीन तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे हमको भले इसके बारे में ना पता हो हमें भले इसके बारे में ना पता हो ठीक है और दूसरा कैसे नहीं सही होगा आपको सभी को पता है यहां कि दूसरा कैसे नहीं सही होगा चोल काल की नटराज मूर्ति कांस ढलाई का एक उदाहरण आप सभी को पता है कांसे से बनी हुई मूर्तियां होती थी नटराज वाली जो बेहतरीन मूर्तियां मानी जाती है यह भी सही है आपका एक और तीन और यह भी सही है कि इस कार्य में द्रवी मोम विधि जिसको हम लास्ट वैक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं उस प्रे, उसका प्रयोग किया जाता था याद रखना तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहां पे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ध्यान से देख लीजिएगा तीनों के तीनों बस केवल एक ऑप्शन सही करते आप लोग सारे के सही सारे आपके यहां पे सही हो जाते फिर भी यहां पे सभी लोगों ने गलत कर दिया नंबर तीन तो एकदम आसान है देखते ही उसको सही लगा नंबर तीन के हिसाब से तो गलत हो जाता अगर पहला आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है ठीक है कि कांसे का निर्माण होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कांसे की यहां पे वहां पे भी मूर्तियां पाई गई हैं ठीक है थीके, आप सभी को पता है वहां पे ऐ अरे नृतकी वाली मूर्तियां भूल गए कांसे की तो बनी होती थी चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा मथुरा कला शैली निम्नलिखित में से किस धर्म धर्मों से प्रेरित थी बौद्ध धर्म जैन धर्म या हिंदू धर्म ठीक है नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए चलिए बताइए मथुरा कला शैली की बात हो रही है ध्यान से बताना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना एक और तीन अच्छा कैसे मथुरा में आप सभी को पता होना चाहिए कि उस समय जब यहाँ पे कुषाण काल का समय चल रहा था उन्हीं के समय में ये फली फूली यह शैली आपकी मथुरा कला शैली ठीक है उन्हीं के समय में तो उसी के संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो ध्यान से बता दो भैया मुझे चलो बताओ यहाँ पे बहुत बढ़िया जिन लोगों ने यहाँ पे ये जवाब दिया है बहुत बढ़िया हो जाएगा ये तीनों धर्मों से संबंधित थी बौद्ध हो जाएगा जैन हो जाएगा और हिंदू हो जाएंगे ठीक है तीनों धर्मों से संबंधित था ये क्योंकि उस समय ठीक है बौद्ध और हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी मथुरा में फल फूल रहा था और अगर हम बात करें मथुरा कला शैली में ये तीनों धर्म परिलक्षित होते हैं याद रखना कभी भी आए ऑप्शन मार के आना ए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है कुषाण कालीन मूर्तियों के शरीर के सौंदर्य का जो रूप था उसके विपरीत गुप्त काल की मूर्तियों में नग्नता नहीं है गुप्तकालीन कला विशेषतः मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी सारनाथ की मूर्तियां गुप्त काल का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे भैया सही है चलो बताओ थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा दिमाग घुमा देगा चलो बताओ चलिए बताइएगा बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन ये बताइए देखो अब देखो यहां पे समझाता हूं कह रहा कुषाण कालीन मूर्तियों के शरीर के सौंदर्य जो और जो रूप था उसके विपरीत गुप्त काल की मूर्तियां में नग्नता नहीं है देखो कालीन मूर्तियां जो हुआ करती थी वो शारीरिक सौंदर्य को प्रदर्शित करती थी लेकिन हम गुप्त काल की मूर्तियों की बात करें वहां पे तो उन्होंने ठीक है आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रीफर किया तो आध्यात्मिक सौंदर्य और यहाँ पे क्या होता है शारीरिक सौंदर्य दोनों में समन्वय स्थापित कर लिया था गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने ठीक है गुप्त काल के मूर्तिकार जो थे बेटा उन्होंने शारीरिक सौंदर्य और वहां पे आध्यात्मिक सौंदर्य दोनों पे समन में दोनों के समन में पे अपना पकड़ बना लिया था इस वजह से कहा जाता है कि कालीन शरीर के यहाँ पे कालीन जो विशेष का शारीरिक सौंदर्य पे विशेष बल दिया करते थे लेकिन यहाँ पे ठीक है गुप्त काल में वह आध्यात्मिक बल आध्यात्मिकता पे ज्यादा बल देते हैं इस वजह से पहला ऑप्शन सही हो गया गुप्तकालीन शिल्प कला विशेषतः मथुरा शैली तथा द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित थी एकदम सही हो जाएगा विशेष करके मथुरा कला शैली से वहां पे था सारनाथ की मूर्तियां गुप्तकालीन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पे अगर देखा जाए यहां पे तो डी इज द राइट आंसर एक दो तीन चार एक दो तीन तीनों के तीनों सही होंगे बताओ क्लियर हो गया आसान है चलिए हो गया ना आगे बढ़े चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय मूर्तिकला के किसी देवी प्रतिमान में अनेक गुणों को प्रकट करने के लिए उसके हाथों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाती है जिसमें प्रत्येक हाथ में प्रत्येक वस्तुओं को रखा जाता है इसमें घंटा किसका प्रतीक है बताओ अभी मैं सब बता दूंगा आपको बिल्कुल टेंशन मत लेना चलो बताओ पहले घंटा किसका प्रतीक माना जाता है घंटा जो हाथ में घंटा होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है चलिए बताइए बेहतरीन क्वेश्चन है ध्यान से बताना धर्म का क्षण भंगुरता का ज्ञान का या वैभव का घंटा किसका प्रतीक माना जाता है कुछ लोग बी बता रहे हैं कुछ लोग यहां पे सी बता रहे हैं सी का मतलब यहाँ पे ज्ञान का घंटा ज्ञान का होगा आ? घंटा ज्ञान का प्रतीक होगा बबुआ लोग गलत क्या हो जाएगा क्षण भंगुरता याद रखना क्षण भंगुरता का प्रतीक है अच्छा बताओ अब सभी लोग यहाँ पे तीन ऑप्शन और है चलो ज्ञान बता देता हूं पुस्तक पुस्तक जो दिखाया जाता है हाथों में वो ज्ञान का प्रतीक होता है याद रखना पुस्तक आपका ज्ञान का प्रतीक है याद रखिएगा अब यहां पे वैभव आया है भैया चलो बताओ वैभव किसका प्रतीक है तो वैभव होता है ठीक है अगर मणि हाथ में है मणि तो मणि आपके वैभव का प्रतीक होता है याद रखना जो मड़ी होता है वो वैभव का प्रतीक माना जाता है और धर्म का प्रतीक कौन है भैया बताओ धर्म का प्रतीक होता है शंख शंख होता है धर्म का प्रतीक ठीक है याद रखना तो कभी आपसे पूछा जाए यहां पे इसका घंटा हो जाएगा ठीक है इसका घंटा हो जाएगा ठीक है कभी पूछा जाए आपसे तो याद रखिएगा पूछा जाता है वैसे अभी यहाँ पे पूछा गया है तो पूछा जा सकता है भैया एक बार घंटा पूछ लिया कभी हो सकता है कि पुस्तक पूछ ले आपसे कि सर पुस्तक किसका प्रतीक होता है अगर आपसे मड़ी पूछ सकता है कि मड़ी किसका प्रतीक होता है तो मड़ी इसके देखो ये सारी की सारी चीजें आपको उसके गुणों से प्रदर्शित होती हैं देखो पुस्तक पढ़ोगे तो ज्ञान होगा याद रखिएगा मणि को हमारे अगर सभ्यता के हिंदू सभ्यता की बात करें यहाँ के सनातन सभ्यता की बात करें तो मणि को यहाँ पे वैभव से इसलिए देखते हैं क्योंकि इससे समृद्धि आती है आप सभी को पता है कहा जाता है कि मणि अगर जिसके पास है उसके पास समृद्धशाली है वो समृद्ध है उसके पास इसलिए उसको वैभव कहा गया और संख हमारा धर्म का प्रतीक होता है क्योंकि कोई भी अगर पूजा पाठ हो रहा है या कोई कर्म कांड हो रहा है तो वहां पे शंख बजाया जाता है जो आपके धर्म का प्रतीक होता है उसके गुणों की वजह से यहाँ पे रखा गया है उसको ठीक है याद रखना चलिए सॉरी <coughs> क्लियर <coughs> 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 हुआ कि नहीं हो गया था क्लियर सही से आगे बढ़े आकाश के मिश्रा बताओ आगे बढ़े बेटा चलो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहां, कहां किया गया है एलोरा महाबलीपुरम सांची या फिर अमरावती कहां पे है भैया ये चलो बताओ चलिए चलिए आराम से बताना चलो बताओ बी महाबलीपुरम बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ठीक है महाबलीपुरम तमिलनाडु में है किसने बनवाया था इस मंदिर को नरसिंह वर्मन ने ठीक है नरसिंह वर्मन ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था यहीं पे एक आपकी पेंटिंग है ठीक है आपका जो और याद रखना यह मंदिर ठीक है पहाड़ों को काट के बनाया गया है पहाड़ों को काट कर ठीक है यह मंदिर जो आपका है यह पहाड़ों को काट करके बनाया गया मंदिर है याद रखना यह मंदिर पहाड़ों को काट करके बनाया गया मंदिर है और इस मंदिर में याद रखिएगा बेटा आप लोग वहीं पे गंगा नदी के अवतरण का चित्रण किया गया है तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा कभी पूछे आपसे तो जवाब आराम से ध्यान से देना ठीक है क्लियर हो गया बताओ आए बताइए पहाड़ पर्वत वही होगा पर्वत या फिर पहाड़ पर्वतों को काट करके या पहाड़ों को काट करके कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं चलिए अगला अगला है कि प्राचीन भारत में बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति निम्नलिखित में से किस स्थान में है बामियान बेगराम गांधार या फिर चीन सबसे बड़ी मूर्ति कहां पे अवस्थित है किसकी बुद्ध की बताइए चलो कहां पे है चट्टानों को काट करके बनाया गया है वो ठीक है वो भी आपका जो आपकी मूर्ति है वो चट्टानों को काट करके बनाई गई याद रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बेगराम कहाँ पे बे नहीं बेगराम में नहीं बामियान में है ना हाँ बामियान में ऑप्शन नंबर बी ठीक है कहाँ पे है मेरा बामियान ठीक है बामियान में है आपका ठीक है याद रखना अब बामियान कहाँ पड़ता है कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे बामियान कहाँ पड़ता है क्या हो जाएगा ए नहीं बेग्राम में नहीं होगा बेग्राम में नहीं है बेटा बामियान में पड़ेगा आपका ठीक है तो यह पड़ता है आपका अफगानिस्तान अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान याद रखना अफगानिस्तान में भी ठीक है अफगानिस्तान याद रखिएगा अफगानिस्तान में भी बौद्ध बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा फल फूल रहा था ठीक है सातवीं सदी तक ठीक है सातवीं सदी तक अगर देखा जाए तो आपका सातवीं सदी तक आपका जो है वहाँ तक के यहाँ कहाँ पे अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म में फल फूल रहा था लेकिन सातवीं सदी में जैसे वहाँ पे वहाँ पे आ, मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे वैसे ही वहाँ से आपका बौद्ध धर्म वहाँ से समाप्त तो हो जाएगा ठीक है वहाँ पे ख़त्म कर देंगे बौद्ध धर्म को तो सबसे बड़ी मूर्ति जो आपकी है वो बामियान में बनी है गौतम बुद्ध बनी बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है चट्टानों के काट करके बनाया गया है वो मूर्ति ठीक है याद रखना चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहा जाता है यह किसका प्रतीक है चलो बताओ चार ऑप्शन है ध्यान से पढ़ लीजिए बताइएगा चलो चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लो सभी के सभी लोग यहां पर फिर बताना पढ़ लीजिए ध्यान से बताइएगा ध्यान से पढ़ने के बाद बताना एक हस्त मुद्रा की बात हो रही है बताओ इसके बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा भी कर रखी है इस इसके बारे में मैंने आपको पहले चर्चा भी कर रखी है याद रखना इसके बारे में पहले मैंने चर्चा भी आपको कर रखी है एक हस्त मुद्रा के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है इसमें क्या क्या चीजें हैं क्या क्या नहीं है चलो बताओ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए यहाँ पे तो बी सही हो जाएगा आपका मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती को आह्वान करते हैं और इस यहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा की अगर बात करूँ तो इसमें दोनों हाथ ऐसे आपके नाभि पे होते हैं और जो पैरों का अंगूठा जो होता है वो जमीन को टच कर रहा होता है ठीक है धरती को ठीक है दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है एक बार मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था चलो बताओ शिक्षक नृत्य करते हुए विश्राम करते हुए या हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया था शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती एंसियंट हिस्ट्री में यह क्वेश्चन करा चुके हैं एंसियंट हिस्ट्री में यह क्वेश्चन हो चुका है गलत मत करिएगा बताओ सभी के सभी आसान है एकदम आसान क्वेश्चन है बिल्कुल कठिन नहीं है अरे भाई मैंने पढ़ाया है आपको काहे गलती करोगे अच्छा कुछ लोग यहाँ पे परी डी डी कैसे होगा ध्यानमग्न उस दिन मैंने पढ़ाया था आप सभी को कि शिक्षक याद रखना शिक्षक के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बणिठनी किस शैली का है बताओ बणिठनी बताइए 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन बनी ठनी चल बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बताओ डी याद बहुत बढ़िया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा किशनगढ़ शैली याद रखना निहाल चंद ने यह पेंटिंग बनाई थी निहाल ठीक है निहाल चंद ने बनाई थी राजस्थानी चित्रकला शैली में बना है राजस्थानी राजस्थानी चित्रकला है याद रखिएगा इसी पेंटिंग को याद रखना इस पेंटिंग को भारतीय मोनालिसा का पेंटिंग कहा जाता है याद रखना ठीक है इसी पेंटिंग को कहते हैं ठीक यही पेंटिंग है वो ठीक है चलो आए? अरे इसको भारतीय मोनालिसा कहा जाता है ठीक है याद रखना यह आपका भारतीय मोनालिसा है जो निहाल चंद ने बनाई थी इस पेंटिंग को भारतीय मोनालिसा कहा जाता है इस पेंटिंग को हा मोनालिसा ठीक है चलिए कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र वस्त्र पर ठप्पे ब्लाक से की गई चित्रकारी या उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी बताओ कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है चलिए चार ऑप्शन है ध्यान से देखना बहुत आसान सा क्वेश्चन है कलमकारी चित्रकला से बताइए बताइए बेहतरीन क्वेश्चन है आराम से ध्यान से बता देना चलिए क्या होगा अरे भाई बताओ भैया ए कुछ लोग ए बता रहे हैं कुछ लोग डी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं कलमकारी चित्रकला ठीक है सूती वस्त्रों पे किया जाता है ये हाथ से की है यहां पे हाथ से की जाती है चित्रकारी फूल पत्ती बनाए जाते हैं बहुत सारी चीजें लेकिन ये सारी की सारी चीजें हाथ से होती हैं याद रखना तो ऑप्शन नंबर यहां पे इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं है नेक्स्ट निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए की से से जाना जाता है चित्रकला मतलब हो गया जो अंदर की तरफ दीवारों पर बनाए जाते थे बताओ चित्राएं गुफाएं लोपाक्षी मंदिर और साची स्तूप चलो बताओ भित्त चित्रकला के कौन से उदाहरण माने जा सकते हैं ऑप्शन बहुत बेहतरीन है ध्यान से जवाब चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर ध्यान पूर्वक जवाब बी बता रहे कुछ लोग यहां पे कुछ लोग सी बता रहे हैं एक दो तीन कुछ लोग ए भी बता रहे हैं चलो और सभी लोग यहां पे फटाफट शेयर नहीं कर रहे हो आजकल सभी के सभी यहां पे शेयर करना बहुत आवश्यक है बेटा तो शेयर जरूर शेयर करना बहुत जरूरी है तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लास को पहुंचाइए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसकी आवश्यकता है याद रखना इस क्लास की क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे हु भले ना आए लेकिन आपको इन्हीं में से आपको क्वेश्चन बनेंगे याद रखना तो देखो यहाँ पे तो बात किया जाए तो अजंता की गुफाएं और यहाँ पे लोपाक्षी मंदिर ठीक है इन दोनों में आपको भीतरी चित्रकला के उदाहरण मिलेंगे लेकिन साची स्तूप में नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे आपको चित्रकारी नहीं की गई है इसमें याद रखना तो ऑप्शन एक बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी शैली की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए इस शैली में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्वावर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ साथ किया गया है इस शैली में शिकार के दृश्य राधा कृष्ण की प्रेम लीला बराह बराहमारसा और रागों को चित्रित किया गया है पहाड़ी शैली इससे पूर्णतः भिन्न शैली है चलो बताओ पहाड़ी शैली की बात हो रही है यहां पे ठीक है पहाड़ी शैली कह रहा है इससे पूर्णतः भिन्न शैली है उपयुक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है चलिए बताइए आसान और बेहतरीन क्वेश्चन आ गया आपके सामने चलो बताओ चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है ध्यान से बताइएगा बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन बी अच्छा दो और तीन कौन से सही है इसीलिए तो सर पीडीएफ बता दीजिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा बेटा टेलीग्राम चैनल है अनएकेडमी अंकित के नाम से वहां पे आपको मिलेगा पीडीएफ अनएकेडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा बता तो दिया भाई बार बार काहे लिख रहे हो जवाब देते तो मजा आता एक और दो किसने बताया यहां पे पंत शर्मा पमित शर्मा अच्छा सोनू देखो रवीना पीडीएफ पढ़ जाएगा रवीना पीडीएफ पढ़ जाएगा आपको आप लोग वहां पे पहले पहुंच जाइए पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा फोल्डर बना के रखा हुआ वहां पर पी आपको मिल जाएगा देखो इस शैली में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण मुगल शैली के साथ साथ किया गया है इसमें आपको तीनों शैलियां एक साथ देखने को मिलेंगी इस शैली में राजस्थानी में भारतीय जैन शैली और यहां पे मुगल शैली के मिश्रण आपको देखने को मिलते हैं तो ये ऑप्शन आपका सही हो ठीक है दूसरा कह रहा है इस शैली में शिकार के दृश्य राधा कृष्ण की प्रेम लीला और वराह मासा और रागो की चित्रित किया गया है एकदम सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन आपका गलत है क्योंकि यहां पे कह रहा है कि पहाड़ी शैली इससे पूर्णतः भिन्न है गलत हो जाएगा पहाड़ी शैलियों ने ही राजस्थानी शैली को अभी तक जीवित कर रखा है क्योंकि पहाड़ी शैली एकदम आपको राजस्थानी शैली का ही मिलता जुलता रूप है याद रखना तो पहाड़ी शैली ही राजस्थानी राजस्थानी शैली को जीवित कर रखा है ठीक है अलग नहीं है बिल्कुल भी दोनों एक समान है इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर ए, ए हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पे ध्यान से देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है कौन से कथन यहां पे सही है राजा संसार चंद्र के समय कांगड़ा चित्रकला प्रमुख शैली बन गई निहाल चंद्र ने वरीठी नामक सुप्रसिद्ध काव्यात्मक कलाकृति का की रचना की ठीक है बीकानेरी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार अलीरा, अलीरजा ने लक्ष्मी ना, लक्ष्मी नारायण के भव्य चित्र बनाए ठीक है ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे ठीक है यहाँ पे बीकानेरी चित्रकला की बात हो रही बीकानेरी चित्रकला शैली है यहाँ पे निहाल चंद्रवाला आपको बताया था बनी ठनी वाला ठीक है चलो बताओ कौन से यहां पे क्या कह रहा है ए, कौन से यहाँ पे सही है ठीक है चलो बताओ कौन से कथन यहाँ पे राइट है ध्यान से बताइएगा चलो ध्यान से बताना बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है ये बहुत लाजवाब है याद रखना डी बता रहा है कौन यहां पे भैया एकदम सही एकदम सही ऑप्शन नंबर यहां पे पहला सही है आपका ठीक है कि संसार चंद्र के समय कांगड़ा चित्रकला प्रमुख शैली बन गया याद रखना एकदम सही कांगड़ा का चित्रकला जो का अगर विकास देखा जाए वहां पे तो राजा संसार चंद्र के समय ही हुआ था ठीक है फिर है निहाल चंद ने बनी ठनी वाला मैंने आपको बताया ही था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था आपको और बीकानेरी चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार अली रजा ने लक्ष्मी नारायण के भव्य चित्र बनाए थे ये भी सही है तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आसान था ये नेक्स्ट देखते हैं पट्ट चित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह राजस्थान की चित्रकला शैली है यह केरल की एक नृत्य शैली है यह एक मार्शल आर्ट शैली है या यह ओडिशा की चित्रकला शैली है पट्ट चित्र बताओ बेहतरीन क्वेश्चन है ये बताओ पट्ट चित्रकला बताओ भैया ये बता रहे हैं राजस्थान की चित्रकला शैली अच्छा अब ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे पट्ट चित्र के बारे में तो कैसे जवाब दे पाओगे ऐ बताओ यहाँ पे सभी लोगों ने देखा ही नहीं है कभी पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने कहा पढ़ते रहते हो ऐ आर्ट एंड कल्चर में यही सब तो पढ़ना है हमको अस्थापत्य कला पढ़ना है चित्रकला पढ़ना है मूर्ति कला पढ़ना है ठीक है यही चीजें हैं आपकी तो ये भी चीजें नहीं पढ़ रहे हो आप लोग ये पढ़े हैं सर सुरुचि सुरुचि तो बताइए आप क्या होगा इसका पंकज रावत ने डी बताया है सिंघम हर्षराज ने डी बताया है सुरुचि सुरुचि ने डी बताया बहुत बढ़िया महेश ने भी डी बताया याद रखिएगा अगर पट्टचित्र चित्र की बात किया जाए यहां पे तो यह ओडिशा की चित्रकला शैली सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध चित्रकला शैली है याद रखना सबसे पुरानी है सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध चित्रकला शैलियों में से एक मानी जाती है आपकी ये याद रखना और यह कैनवास पे की गई पेंटिंग है ठीक है कैनवास कैनवास पे की जाती है यह पेंटिंग यह चित्रकला है पेंटिंग की जाती है यह कैनवास पे की जाती है या याद रखना चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाल चित्रकला शैली विकसित हुई मगध क्षेत्र दक्कन क्षेत्र कच्छ के क्षेत्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं पाल चित्रकला शैली का विकास कहां पे हुआ चलो बताओ सिंपल क्वेश्चन है याद रखना चलो बताओ पाल चित्रकला बताइए भैया ए ए बी अच्छा एक ही लोग कई सारे जवाब देने लगते हैं कई सारे जवाब देते हैं कुछ लोग ए बता रहे हैं तो कुछ लोग यहां पे बी बताने लगे क्या हो जाएगा मगध क्षेत्र में पाल चित्रकला का विकास अगर देखा जाए तो वह मगध क्षेत्र में हुआ था याद रखना ध्यान से मगध रीजन ठीक है ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा ध्यान से देखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी जबकि मध्य भारत राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला उस क्षेत्र के धर्म से गहन रूप से प्रभावित थी ठीक है बशोली नामक लघु चित्रकारी पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है मुगल कालीन चित्रकला का उदय जहांगीर के काल में हुआ उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है चलो बताओ बेहतरीन क्वेश्चन है ये मुगल चित्रकला मैंने पढ़ाया है आप सभी को इन मिडवल में आपको मैंने पढ़ाया था सारा का सारा स्थापत्य कला समझाया था चित्रकला समझाया था सारे की सारी चीजें समझाई थी बताओ भैया यहाँ पे क्या होगा चलो बताओ बताइए जवाब सही आने चाहिए भैया आराम से बताओ देखिए अगर बात किया जाए यहां पे चलो आगे दे बता लो सभी लोग देखिए समझाता हूं ध्यान से देखना एक दो तीन तीनों बता रहे हैं सभी लोग यहां पे मैक्सिमम लोगों ने तीन ही बताया है यहां पे कुछ लोगों ने ए भी बताया है देखो मुगल चित्रकला मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष थी एकदम सही होगा यह पार्ट क्योंकि यहां पे आपको याद रखना कि वहां पे किसी भी देवी देवता का तो वहां पे चित्र बनाए नहीं जा रहे थे अधिकतर वहां पे जामती आकृतियों के चित्र बनाए जाते थे या फूल पत्तियों के चित्र बनाए जाते थे ठीक है तो इस वजह से कहा जाता है वो धर्मनिरपेक्ष थी जबकि मध्य भारत की बात करें राजस्थानी और पहाड़ी क्षेत्र में चित्रकला उस क्षेत्र के धर्म से गहन रूप में प्रभावित थी आपको पता है कि वहां पर धर्म से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे चित्र बनाए जाते थे याद रखना तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो गया दूसरा नामक चित्रकारी, पहाड़ी चित्रकला शैली का एक अच्छा उदाहरण है एकदम शैली है जैसे बनी ठनी आपका राजस्थानी चित्रकला किशनगढ़ शैली का उदाहरण है वैसे ही बसोली नामक लघु चित्रकारी आपका पहाड़ी चित्रकला का एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है याद रखना मुगल कालीन चित्रकला का उदय जहांगीर के काल में हुआ गलत हो जाएगा आपको सभी को पता है कि पंद्रह सो साठ ईस्वी में ही इसका उदय हो गया था अकबर के काल में अकबर के काल में ही चित्रकला का उदय हो गया था जहांगीर के समय में यह अपने चर्म उत्कर्ष पे पहुंची थी चर्मोत्कर्ष पे थी अपने पीक पे थी याद रखना जहांगीर ने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया उसके समय में आ, मुगल चित्रकला अपने पीक पे पहुंची हुई थी और स्थापत्य कला में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है याद रखना ठीक है तो इस वजह से वहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ध्यान से देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन था ये तो जिन बच्चों को यहाँ पे समझने की आवश्यकता है वो लोग समझिए क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां वहां पे मत करके आइएगा पेपर में याद रखना चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है आभूषण चित्रकारी बांस कला या संगमरमर की नक्काशी ठीक है चलिए चित्राचार्य उपेंद्र महारथी चलिए उपेंद्र महारथी की पुस्तक की बात हो रही है चलो ध्यान से बताना तो किससे हो जाएगा बेटा ये चित्रकला बांस कला से संबंधित है बांस कला ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो। चित्रकला शैली दिया है संबंधित राज्य दिए हैं सितनवासल चित्रकला तमिलनाडु जोगी मारा चित्रकला छत्तीसगढ़ ठीक है कोहवर आ, कोहवर सोहराई शो, कला शैली झारखंड या अल्पना उड़ीसा बताइए कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है और यहां पे सारे सुमेलित होंगे एक उसमें से सुमेलित आपका नहीं है बताइए बताओ देखो यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा पहले बताओ यहां पे कुछ लोग बता लीजिए यहां पे डी अच्छा अल्पना अच्छा सुरुचि बहुत बढ़िया चलिए सुरुचि यादव चलिए सॉरी साक्षी यादव चलिए साक्षी जी चलिए बताइए बेटा देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा पहली बात तो अगर हम सत्यनवासल चित्रकला की बात करें तमिलनाडु का है एकदम सही जोगी चित्रकला की बात करें तो छत्तीसगढ़ का है एकदम सही हवर सोर आ, सोहराई कला की बात करें तो झारखंड का एकदम सही ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा क्योंकि अल्पना चित्रकला आपका बंगाल का है बंगाल की चित्रकला है बंगाल की चित्रकला है और सबसे बड़ी बात तो यह है बेटा इसमें याद रखिएगा यह दीवारों दीवारों एवं फर्श फर्श का मतलब हो गया जो आपकी भूमि है उस पर रंगोली नुमा आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है ठीके? उसी को कहते हैं यहां पे अल्पना और याद रखना इसका संबंध बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र से भी है ठीक है वहां पे भी फर्श पे रंगोली बनाई जाती है ठीक है याद रखना तो बंगाल के साथ साथ महाराष्ट्र से भी संबंधित है ये चित्रकला ये यह आपका यहां पे कला और चित्रकला शैली याद रखना चलिए तो ऑप्शन नंबर यहां पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ध्यान से देखिएगा चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक है इसे मधुबनी लोक कला के नाम से भी जाना जाता है मधुबनी मिथिला चित्रकला लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों से संबंधित है इस शैली में हल्के रंगों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है उपयुक्त तो में से कौन से कथन यहाँ पे सही है चलो मधुबनी मिथिला चित्रकला की बात हो रही है बहुत आसान क्वेश्चन है मिथिला चित्रकला आप सभी को पता होगा अरे भाई चित्रकला की सारी शैलियां मैंने पढ़ा रखी हैं आप सभी को याद रखना चित्रकला की सारी शैलियां पढ़ा रखी है याद रखिएगा सारी सारा सारा का सारा आपकी समस्याएं दूर होंगी चलो बताओ चलिए देखो अब यह मधुबनी चित्रकला मधुबनी चित्रकला क्यों इतना फेमस है आप सभी को पता है गहरे रंगों का प्रयोग होता था एकदम सही ठीक है गलत हो जाएगा तीसरा वाला पॉइंट यहां पे कि यहां पे गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता था यह गलत हो गया तो सीधे तौर पे कह सकते हैं यहां पे यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा यह भी गलत हो जाएगा इसका मतलब एक और दो सही है एकदम एक ही एक ही जवाब जान करके आप लोग यहां पे इस क्वेश्चन का सटीक समय सटीकता से निकाल सकते थे ठीक है सटीकता से तो यहां पे देखो अब कह रहा है इसे मधुबनी लोक कला के नाम से भी जाना जाता है याद रखना मधुबनी मिथिला चित्रकला अगर बात किया जाए हम यहाँ पे मिथिला चित्रकला लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों विषयों पर संबंधित है क्योंकि आपको पता है इसमें रामायण के कुछ चित्र भी आरेखित किए गए हैं और कुछ जीवन के भी चित्र है जैसे पे गृहस्थ जीवन है कचहरी जो वहां पे मुकदमे उकदमे होते थे उनके कुछ जीवन के बारे में बताया गया तो उस टाइप के भी पे तो उसको आध्यात्मिक और ठीक है लौकिक दोनों कह सकते हैं याद रखना तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाए

विशेषता पूछ रहा है भैया कि इसकी विशेषताएं क्या है चलो बताओ ध्यान से बताइएगा चार है चारों की चारों पूछा है चारों में से कौन सी विशेषताएं हैं ध्यान से देखना मधुबनी चित्रकला की चलिए देखो पहली बात तो ये चीज समझो आप लोग ठीक है एक चीज क्या समझना है इसमें कि इसमें चावल की लेई एवं वानस्पतिक रंगों का प्रयोग होता था ठीक है पहला यहां पे सही है दूसरा दोहरी पंक्ति का किनारा होता था दोहरी पंक्ति का मतलब दो पंक्तियां होती थी किनारा जो बनाया जाता था उसमें यह भी सही है नुकली नोक वाले बांस का प्रयोग यह आपका कलमकारी चित्रकला में प्रयोग किया जाता है इसमें कलमकारी कलमकारी चित्रकला ठीक है कलमकारी चित्रकला में प्रयोग किया जाता है इस वजह से तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा हिंदू धार्मिक चित्रों का रूपांकन ये तो मैं आपको सबसे जरूरी है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया इसका मतलब एक दो और चार तो है ऑप्शन में हाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक है चलिए ध्यान से देखना आराम से बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए यह चित्रकला बिहार के अंग और मगध क्षेत्र में प्रचलित है यह अधिकतर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है मधुबनी चित्रकला में समानता पौधों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है फिर वही क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में पूछा गया आप सभी से चलो बताओ मधुबनी चित्रकला तो पहला ऑप्शन तो सीधे आप गलत कर सकते हो ना आ? एकदम गलत होगा पहला ऑप्शन क्योंकि आप सभी को पता है कि जब मधुबनी चित्रकला है तो मिथिला में बनाया जाता है मिथिला चित्रकला या फिर मधुबनी चित्रकला उसको कहते हैं तो अंग और मगध वाले क्षेत्र में कैसे विकसित हो जाएगा प्रचलित हो जाएगा गलत हो जाएगा याद रखना विशेष करके यह महिलाओं द्वारा बनाई जाती है ठीक है यह अधिकतर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है एकदम सही हो जाएगा मधुबनी चित्रकला में सामान्यतः पौधों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है वनस्पतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे दो और तीन ऑप्शन नंबर यहां पे डी हो जाएगा एकदम आसान सा क्वेश्चन था एकदम सिंपल सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मधुबनी चित्रकला शैली का अंग है चित्र पट चित्र भूमि चित्र अप्रिय अरिपन जिसको कहते हैं कूट है यहां पे ओनली वन होगा चलो बताओ ध्यान से चलिए बताइए देखो तो यह मधुबनी जो चित्रकला है ना यह बहुत फेमस चित्रकला है और यहां पे अगर देखा जाए तो इसमें भित्त चित्र हो जाएगा पट्ट चित्र हो जाएगा और भूमि चित्र तीनों के तीनों शामिल हैं भित्त चित्र का मतलब हो गया बेटा दीवारों पे बनाई जाने वाली चित्रकला ठीक है पट्ट चित्र का मतलब हो गया कपड़ों पे और कागज पे बनाई जाने वाली कला ठीक है या फिर यहाँ पे भूमि चित्र का अरिपन का अरिपन मतलब हो गया आंगन में या घर के चौखट पे बनाई जाने वाली जो नीचे फर्श पे जो, जो, जमीन पे बनती है वो चित्रकला ठीक है तो तीनों के तीनों यहां पे सम्मिलित हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रहा कि अजंता चित्रकला की मुख्य विशेषताओं में शामिल है एवं चमकीले रंगों का प्रयोग चित्रित पात्रों के मन की भावनाओं को उभरती उभर, उभरती विभिन्न मुद्राएं छाया प्रधान चित्रांकन या लौकिक अलौकिक वस्तुओं का चित्रण चलो बताओ भैया आराम से जवाब देखिएगा चलो बताओ ध्यान से देखो और जवाब दो चलो किसके बारे में है यहां पे? अजंता चित्रकार चित्रकला देखो अब बताता हूं यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ सब लोग डी बता रहे हैं यहाँ पे एक दो तीन चार तो कैसे डी सही होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं देखो अम, अमिश्रित एवं चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया अमिश्रित मतलब कोई भी मिश्रण इस, इस यहाँ पे नहीं किया जाता था याद रखना तो पहला ऑप्शन सही चित्रित पात्रों के मन की भावनाओं को उभारती हुई मुद्राएं बनाई गई हैं तीसरा ऑप्शन कहे चला गया है यहाँ पे छाया प्रधान चित्राकर है नहीं रेखा प्रधान चित्राकर है ठीक है रेखा प्रधान रेखा प्रधान चित्रांकन ठीक है याद रखना कभी पूछे आपसे तो याद रखिएगा रेखा प्रधान भारतीय रेखा प्रधान चित्रांकन यहां पे किया गया है लौकिक और अलौकिक वस्तुओं का चित्रण यहां पे मिलता है आपको तो एक दो और चार ऑप्शन नंबर सी ठीक ध्यान से देख लेना आसान क्वेश्चन था चलिए यहां पे किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए ठीक है हुमायूं अकबर जहांगीर या शाहजहां किसने बनवाए थे कारखाने बताओ भैया बहुत आसान क्वेश्चन है ध्यान से बताना जहांगीर अच्छा सी बता रहे जहांगीर अरे भाई जब चित्रकला का नाम आता है तो आप लोग जहांगीर के ऊपर क्यों टूट पड़ते हो तुरंत कि जैसे मुगल काल में आया वैसे ही जहांगीर के ऊपर टूट जाना है लोट पोट जाना है उसके ऊपर चढ़ जाना है ऐ क्या होगा गलत हो जाएगा ना फिर वहां पे गलत कराओगे जल्दी से लगा करके कि भैया जहांगीर चित्रकला से बहुत फेमस था इस वजह से आए ऐसा थोड़ी रहे ठीक है याद रखना यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा कि चित्रकला आपका जहांगीर वाला ही फेमस होगा याद रखना ठीक है याद रखिएगा जहांगीर केवल व केवल अगर देखा जाए तो जहांगीर के समय में अगर हम बात करें तो चित्रकला का विकास हुआ वो अपने पीक पे थी अपने हाइक पे थी ठीक है मतलब वहां पे चरमोत्कर्ष पे थी वो आपकी कौन सी अगर बात किया जाए वहां पे कौन सी चित्रकला और अस्थापत्य कला में आपको वहां पे गिरावट देखने को मिलती है ठीक है और शाहजहां के काल में फिर स्थापत्य कला का विकास होगा लेकिन इन दोनों की शुरुआत अगर देखी जाए स्थापत्य कला की और वहां पे चित्रकला की तो अकबर ने स्टार्ट कर दिया था ठीक है अकबर ने इन दोनों का स्टार्ट कर दिया अकबर ने इन दोनों के लिए कारखाने भी बनवाए थे याद रखना अकबर ने ही कारखाने बनवाए थे आपके ठीक है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए तो वह अकबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ध्यान से समझिएगा बताओ क्लियर हो गया ध्यान रखना तुरंत जहांगीर पे टूट नहीं पड़ना देखा नहीं चित्रकारी से क्वेश्चन जहांगीर पे टूट पड़े सभी के सभी चढ़ जाओ उसके ऊपर आराम से आ? ऐसा कुछ नहीं करना है आपको मैंने बताया कि इतनी सारा उसका योगदान इतना सा ही है कि उसके समय में चित्रकारिता अपने चरमोत्कर्ष पे थी इतना ऐसे याद करना ठीक है इतना ही याद करना है ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलत करके चले आओगे फिर कहोगे सर जी आपने पढ़ाया था लेकिन आपने कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया आप लोग गलत समझ बैठे हो ठीक है याद रखना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में हुआ हुमायूं अकबर जहांगीर या शाहजहां चलो बताओ यूरोपियन चित्रकला की बात हो रही है कि यूरोपियन पेंटिंग का प्रवेश किसके दरबार में होता है चलो फिर यहाँ पे अरे भाई साहब काम फिर हुमायूँ आ गए सभी के सभी है? ऐसा काम चलेगा यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो बच्चा लोग ऐसे काम नहीं चलेगा अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो पेप को अब ये को कितना सिंपल है मैं बार बार बोलता हूँ कि सिंपल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्योंकि अगर जो जो बहुत सारे ऑप्शन देकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो ठीक है उसको थोड़ा सा ध्यान से तो वो ईजी आते हैं ठीक है हमेशा आपको बताऊं कि यूपीएससी आपके बताया ना कि यूपीएससी पूरा का पूरा शब्दों का मायाजाल है बस केवल शब्दों का पूरा का पूरा पूरा का पूरा का 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 वर्ड्स माया जाल है आपको ऐसे ऐसे शब्द आपको देके फैला देगी वहां पे कि आपको लगेगा कि सर मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं ऐसा लेकिन नहीं वो केवल आपको देखो एक जैसे आपको मैंने मिथिला चित्रकला पढ़ाया अभी ठीक है मिथिला चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे थे ना आ, उसको हमने मधुबनी चित्रकला भी कह दिया

तीन लोग ऐसे ऐसा दे दिया कि आपको लगेगा कि बाद का है ना इस याद रखिएगा अकबर के समय का है याद रखना अकबर के समय में ही यूरोपियन चित्रकारी अकबर के समय में जो चित्रकारिता होती थी मुगल काल में उसमें यूरोपियन पेंटिंग का प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि आपको पता है कि यूरोपियन पेंटिंग में क्या होता है यूरोपियन पेंटिंग की अगर हम बात करें बेटा तो उसमें व्यक्ति विशेष पे ध्यान दिया जाता है किसमें व्यक्ति विशेष सबसे पहली बात व्यक्ति विशेष पर ध्यान दिया जाता है दूसरी बात करें वहां पे तो जो आगे दिखती वाले वस्तुएं होती हैं, जो आखे जो चित्र में आगे वाले आगे आगे वाली वस्तुएं होती हैं, उनको छोटा बनाया जाता है तो आगे आने वाले आगे आने वाले चित्र को छोटा ठीक है छोटा बनाया जाता है यहाँ पे और तीसरा अगर हम इसके इंपॉर्टेंट पहलू की बात करें तो इसमें आपको आलोचनात्मक चित्र बनाए जाते हैं मतलब चित्र को देखते हुए लगता है आपको कि वह किसी ना किसी चीज का चित्र बना है उसकी आलोचना करते हुए दिखाई दे रहा है याद रखना तो आलोचनात्मक चित्र बनाए जाते हैं ठीक है आलोचनात्मक चित्र तो याद रखिएगा ये इसके कुछ विशेषताएं हैं इसकी और ये चीजें आपको अकबर की आ, समय की चित्रकारिता में पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेंगी ठीक है याद रखना तो यहां पे ना ही जितने क्वेश्चन मैंने कराए उसमें से सभी लोगों ने यहाँ पे कहीं जहागीर जहांगीर बताया कोई वहां पर हिमायू बताया तो याद रखना इन सब का योगदान आपको थोड़ा सा ही है ज़्यादातर अकबर का ही योगदान इसीलिए हम अकबर को अकबर महान कहते हैं इसी वजह से और कोई रीजन नहीं है ठीक है तो उसका योगदान बहुत ज्यादा रहेगा स्थापत्य कला की बात कर ले अगर हम चित्रकला की बात कर ले तो सभी में उसका योगदान रहता है ठीक है और उसी ने सबसे पहले ही कहा था कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है राज्य हमेशा धर्मनिरपेक्ष होता है तो सबसे पहले उदाहरण अगर देखा जाए धर्म निरपेक्ष राज्य का तो उसी ने ही प्रदान किया था ठीक है याद रखिएगा तो आज के क्वेश्चन समाप्त हुए थर्टी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं आज के आज के टॉपिक में तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों थैंक यू सो मच तो सभी लोग याद रखिएगा अपने पेपर्स की तैयारी ढंग से करिए क्योंकि आज

क्योंकि आपको देखो यहाँ पे रिजल्ट दिखता है यहाँ पे रिजल्ट बोलता है हम नहीं बोलते यहाँ पे रिजल्ट मिलता है ए आई आर रैंक जो दूसरा स्थान हासिल किया है जागृति अवस्थी वह अन के लर्निंग ऐप की लर्नर थी एक याद रखना और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे टॉप हंड्रेड में लगभग लगभग आपको देखा जाए यहाँ पे तो लगभग सत्तर अट्ठाईस स्टूडेंटों ने टॉप हंड्रेड में जगह बनाई है अपनी और टोटल मिलाकर के वन सिक्सटी नाइन प्लस यहाँ पे बच्चों ने अपना सिलेक्शन हासिल किया है जो अनकेडमी के लर्निंग ऐप से जुड़े हुए थे याद रखना कुछ ऑफर्स थे आपको अगर रिटेन होंगे तो आपको बता दिया जाएगा ठीक है और यहाँ पे एल एमपी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया आप लोगों के लिए राइज हैंड प्रोग्राम है आप लोगों के लिए प्लस और आइकोनिक के दो सब्सक्रिप्शन है दोनों में से कोई सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो याद रखिएगा तो बेहतर लेकिन आइकोनिक का सब्सक्रिप्शन होता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्सनल एडवाइजर मिलता है जो आपकी तैयारी को बेहतर और आसान बनाने की कोशिश करता है याद रखना 10 परसेंट का ऑफ मिलेगा दोनों सब्सक्रिप्शनों पे आपको अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे रेफरल कोड कोड है मेरा ए एन के जीरो सिक्स याद रखना ठीक है सभी लोग ध्यान रखिएगा और आप सभी को बता दें कि ऑप्शनल में भी आपको टेन परसेंट का ऑफ मिलेगा सेम कोर्स से बैचे जा रहे हैं अठारह तारीख से आप लोगों के लिए वीकेंड करंट अफेयर का बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है वीकली है ये याद रखना लर्नर जर्नी बैच स्टार्ट हो गया है आप लोगों का उनतीस तारीख से ही और यहाँ पे 2023 बैच भी लर्नर के लिए स्टार्ट हो गया है ठीक है उनतीस तारीख से ही और यहाँ पे कॉम्बेट ज्वाइन कर लो सभी के सभी संडे को होने वाला है कॉम्बेट आज शुक्रवार है मतलब कल ही परसों की यहां पे तीन तारीख को दो अक्टूबर को तीन अक्टूबर को थर्ड अक्टूबर को ग्यारह ए पे होगा स्पेशल यहाँ पे है जोग्राफी स्पेशल के ही होने वाला है इनरोल करने के लिए कोड लगा लीजिएगा मेरा ए एन के जीरो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाए चार करोड़ों का पोल भी रखा गया इसमें तो बहुत सारे फायदे हैं इसके याद रखना और यहां पे बस तो आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन बाय बाय टेक कर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद बाय बाय और जाते जाते बस यही आपसे उम्मीद रहती है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को शेयर कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है और और पीडीएफ चाहिए होगा तो अन अकेडमी अंकित के नाम से टेलीग्राम चैनल है तो वहां पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी अवेलेबल है वहां पे पीडीएफ आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी वही फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई कॉस्ट नहीं है याद रखना बहुत सारे बच्चे यहां कह रहे थे सर क्या इसका पैसा देना पड़ेगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं कोई भी रुपया पैसा नहीं लगने वाला ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाय बाय टेक गुड नाइट मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद